प्रदूषण से एक ओर जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, तो आसपास के इलाकों में भी हालात लगभग एक जैसे हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के बहुत से जिलों में हालात खराब हो चुके हैं। आसमान में छाए कोहरे की तरह दिखने वाली ये चादर प्रदूषण की है। सोनीपत से लेकर जींद तक हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। बात अगर जींद की करें तो जींद में प्रदूषण का स्तर 280 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सोनीपत में AQI 331 दर्ज किया गया। हालांकि प्रदूषण से कैथल को अब राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि कैथल में अब AQI 200 से भी कम हो गया है। अगर कैथल में दीपावली या उससे पहले की बात करें तो AQI 300 के पार था, जो अब कम होता दिख रहा है। इस पर कृषि अधिकारी महावीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान पराली को जलाने को लेकर जागरूक है और पराली की वजह से प्रदूषण नहीं बढ़ रहा, बल्कि वाहनों के धुएं और पटाखों की वजह से हवा का ये हाल हो गया है। सबसे पहले तो हमारे जिले के किसान भाइयों को बधाई दूंगा और उनको मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो सरकार द्वारा विभिन्न चलाई गई स्कीमों के अंतर्गत उनको समझकर अपने पराली का जितना भी है प्रबंधन किया है। और हमारे यहाँ जिले के अंदर बिल्कुल नामात्र की आगजनी की जो पराली की बहुत ही नामात्र की घटना हुई है, इसके अंदर भी काफी किसानों को अनसमझ के अंदर जो गांठ बनाने के बाद थोड़ा सा अगर मान लो कोई बच गया है उसके अंदर कोई लग गई है, अदरवाइज हमारे यहाँ लगभग जो पराली का है प्रबंधन बहुत ही उचित मात्रा में हमारे किसान भाइयों द्वारा किया गया है। 80 से 90% हम कहें, मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे यहाँ 90 से 95% तक हमारे जो पराली का है जो किसान भाइयों ने प्रबंधन किया है, और ये हमारे पिछले वर्षों के देखते हुए हरियाणा में सबसे उज्जवल एक रूप है। हवा की गुणवत्ता में सुधार बारिश के बिना एक लंबी प्रक्रिया है, वो भी तभी हो सकता है जब दूसरे कारकों पर लगाम लगाई जाए। वहीं बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होने के बाद GRAP4 हटाकर GRAP3 लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में GRAP4 फिलहाल हटा लिया गया है, लेकिन GRAP3 की पाबंदियां राजधानी दिल्ली में लागू है। प्रदूषण में मामूली राहत मिलने के बाद GRAP4 की जो पाबंदियां हैं उसको हटाया गया है। हालांकि GRAP3 लागू है, GRAP4 में जो पाबंदियां थी उसके मुताबिक जो सरकारी प्रोजेक्ट के निर्माण है उस पर रोक थी, लेकिन अब चूंकि GRAP4 हटा दिया गया है तो सरकारी जो निर्माण है वो हो सकते हैं, लेकिन GRAP3 चूंकि लागू है तो अभी भी निजी निर्माण और निजी तोड़फोड़ पर रोक है। जो BS3 पेट्रोल BS4 डीजल गाड़ियां हैं उनके जो प्रवेश दिल्ली प्रवेश में और दिल्ली में चलने पर रोक है, तो कई पाबंदियां अभी भी लागू है। दिल्ली के ऐसे इलाकों में जहां पर प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा है वहां पर आर्टिफिशियल रेन कराने की भी तैयारी है। IIT कानपुर से लगातार संपर्क में है। मौसम और आने वाले दिनों के प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश का डिसीजन ले सकती है, लेकिन फिलहाल अभी भी प्रदूषण का खतरा दिल्ली NCR के लोगों पर बना हुआ है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।